न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चालीसगांव समेत धुलेकर यात्रियों के लिए फायदेमंद चालीसगांव धुले मेमू आखिरकार सोमवार 13 दिसंबर 2021 सुबह 9:20 को चला गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने नई दिल्ली से मेमू को हरी झंडी दिखाने के बाद किया। इस मौके पर खासदार उमेश पाटिल और खासदार भामरे उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि पहले दिन ट्रायल रन होने के कारण इस ट्रेन का सिर्फ एक फेरा होगा और दूसरे दिन मंगलवार यानी 14 दिसंबर को इस ट्रेन के दो फेरे होंगे। चालीसगांव रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में चालीसगांव आमदार मंगेश चौहान, पालक मंत्री अब्दुल सत्तार, धुले के महापौर प्रदीप करपे, चालीसगांव की नगर अध्यक्षा आशा लता चौहान, भोपाल के DRM SS केडिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सके। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।